सासू से भी काम लेना सीखो। कोई सासू को सोने मत दो, सासू के पैर पकड़ दिया करो सुबह शाम, ससुर के पैर पकड़ लो और कह दो कि हमारे कम बुद्धि है, आप ही इसको संभाल पाएंगे, हम अभी छोटे हैं, लेकिन मालूम सब कुछ है, उनसे डबल माइंड है, फिर भी छोटे बन लो और पैर छू लो और कहो कि आप संभालते रहना, सहयोग करते रहना। तुम्हारे सास ससुर बोलेंगे क्या, जब तक हम जिंदा हैं तो चिंता मत कर, हम सब संभाल देंगे। और फिर सासू दौड़ दौड़ कर जब काम करे और ससुर छलांग मार काम करे तो पीछे से मुस्कराओ कि जय बजरंग बली, चालू रहो। इनसे भी काम लो, क्योंकि जो काम नहीं करेगा वो बीमार हो जाएगा। खड़ी का नाम खटारा, चलती का नाम गाड़ी, याद रखना मेरे भाइयों बहनों, सबको काम करना चाहिए, बूढ़ों को भी काम करना चाहिए, जवानों को करना चाहिए, बच्चों को करना चाहिए, सबको ड्यूटी लेना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए, खाली कोई नहीं रहना चाहिए। खाली मन शैतान का घर, खाली आदमी उत्पाती खुराफाती होता है, कोई खाली मत रखो, सबको ड्यूटी दो। और जो ड्यूटी लेता है, जिम्मेदारी लेता है, खाली नहीं रहता है, जो कुछ करना चाहता है, रिस्पॉन्सर बनता है, वह व्यक्ति चुपके चुपके बुद्धिमान हो जाता है। जितनी बड़ी जिम्मेदारियां लोगे उतना ज्यादा दिमाग खुलता चला जाएगा, जितनी ज्यादा जिम्मेदारी लोगे उतना बुद्धिमान होते चले जाओगे, जितना जिम्मेदारियों से मुक्त होते जाओगे बुद्धू बनते चले जाओगे। अभी महान श्री नरेश साहब जी समझा रहे थे ना, बुद्ध ना बन पाना तो बुद्धू भी मत बनना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें जोड़ के बहुत बताया, मैं तो उतना जोड़ूंगा नहीं, जोड़ पाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो जोड़ ही चुके, फिर से मैं जोड़ूं तो फायदा भी नहीं। अब एक आदमी गोटा बना ही चुका हो, फिर उसको तेल में डालो, क्या मतलब निकलता, जल जाएगा। तो बहुत बढ़िया बताया कि बुद्ध ना बन पाना तो बुद्धू भी मत बनना, अच्छी बात है, क्या कमाल की बात है। मतलब मकान बना ना पाना तो कम से कम जो बना है उसको गिरा मत देना, उसको संभाल लेना। नाम कमा मत पाना, लेकिन तुम्हारे बाप दादों ने नाम कमाया है उसको गंवा ना देना, यही है बुद्धू बनना, और क्या है इसमें, यही समझो इसको। धन जमीन खरीद ना पाना, प्रॉपर्टी बढ़ा ना पाना, लेकिन जो आपके पूर्वज प्रॉपर्टी दे गए हैं उसको बर्बाद ना कर देना, यही है बुद्धू ना बनना, और क्या है। जो तुम्हारे सास ससुर ने मान सम्मान कमाया है तो मान सम्मान तुम बढ़ा ना सकना, लेकिन उस मान सम्मान को सुरक्षित रखना, नाम डूबने ना पाए, यही है बुद्धू ना बनना। यही बात अर्थ है ना सर, यही है। अब ना हो तो भी हम यही लगाएंगे, अब हमें जो मालूम वही लगा देंगे, तो ये है। और ये भी याद रखना, क्या परस्पर प्रेम से रहना, और परिवार में तुमको कोई डांटता हो तो उसको धन्यवाद देना। कोई अगर थप्पड़ मार दे तुम्हारा पिताजी कभी, तो पैर छू लेना कि धन्य हो। अगर लोहार लोहे पर हथौड़ा न मारता तो लोहा लोहा ही रह जाता, वो सब्बल न बनता, कुदाल न बनता, फावड़ा न बनता, हथौड़ा मारा इसलिए बन गया। कुम्हार अगर मिट्टी को रौंदता ना तो मिट्टी मिट्टी ही रह जाती, वो घड़ा गगरा मटका नहीं बन पाती। याद रखना, अगर फैक्ट्री के लोग लोहा को पिघला ना देते इतना गर्म करके, तो लोहा कार नहीं बन पाता, हेलीकॉप्टर नहीं बन पाता, ट्रेन में नहीं ढल पाता, और लोहा लोहे पड़ा रहता 40 रुपए किलो वाला, लेकिन वो 4 क्विंटल लोहा जब पिघल गया और कार बनकर आ गया तो वही 8 लाख का हो गया। जो 4 क्विंटल लोहा 4 चक्कू 16,000 का ही था, वो 8 लाख का हो गया। इसलिए याद रखना, कोई तुम्हें अनुशासन में गर्म करके पिघलाए तो पिघल जाना, और जिस सांचे में ढाले तो ढल जाना, फिर तुम 16,000 के थे 16 लाख के बनकर के आ जाओगे। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे पिताजी बहुत डांटते हैं, कोई लोग कहते हैं हमारी मम्मी बार बार समझाती रहती है, कितनी बहुएं कहती है अरे उनका तो भाषण चालू ही रहता है। बार बार क्यों समझाती है, एक बार अगर तू समझ जाती तो ये बार बार नहीं समझाती,
और तू बार बार नहीं समझवाती, बात ये बार बार समझाती है। एक बार में एक बार दवाई देने से, डॉक्टर की दवा से अगर बीमारी ठीक हो जाए तो बार बार डॉक्टर इंजेक्शन थोड़े लगाएगा, लेकिन तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हुई बार बार इंजेक्शन लगाता, बार बार पट्टी करता है। तो बार बार इसलिए सासू समझा रही कि एक बार तुम समझ नहीं पा रही हो, और बार बार पिताजी इसलिए डांट रहे हैं कि एक बार की डांट से भी सुधर नहीं पा रहे हो। और बार बार जो समझाए, और बार बार जो समझने को तैयार रहे, और बार बार कोई डांट दे और बार बार डांट खाने को तैयार रहे, याद रखना वो बहुत महान बनता। कैसा महान बनता है? तुलसीदास कहते हैं मेरे गुरु ने मुझे बार बार समझाया। तो तुलसीदास इतना महान संत बना कि रामचरितमानस की रचना करके रख दिया। तदपि कहे ओ गुरु बारही बारा, समोझे परी कछु मति अनुसारा। तदपि कहे ओ गुरु बारही बारा, समोझे परी है। तुलसीदास, तुलसीदास की नम्रता धन्य है, उनकी गुरु के प्रति श्रद्धा भी धन्य है। गुरु के बार बार कहने से, समझाने से भी श्रद्धा से वे गुरु के ज्ञान को श्रवण करते हैं, और फिर ये भी कहते हैं नम्रता से कि मेरी मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आया। जितना गुरु ने समझाया उतना पूरा समझ में नहीं आया। समझ परी कछु मति अनुसार, मेरी बुद्धि के लेवल से कुछ समझ में पड़ा है। अगर पूरा समझ जाते तुलसीदास तो सोचो कितनी बड़ी रामायण बनती। ये थोड़ा समझ गए तो इतनी मोटी रामायण, और पूरा समझ जाते तो। और नरहरिदास गुरु की भी कितनी बड़ी कृपा है कि अपने शिष्य को बार बार समझाते समझाते भी वे थकते नहीं है, रुकते नहीं है, उबते नहीं है, कंटाल नहीं होते। अन्यथा वो भी सोच लेते, अरे इसको बार बार समझाते बुद्धू आदमी समझता नहीं, छोड़ो बकवास, इसको कुछ भी नहीं बताना है। ऐसा नहीं सोचा नरहरिदास गुरु ने। और गुरु, हर गुरु नरहरिदास होता है, नर के रूप में हरि होता है, और गुरु वही है जो नर के रूप में भगवान होता है। नर के रूप में नारायण है, नर के रूप में हरि है। मनुष्य का रूप तो दिखाई देता है लेकिन वास्तव में उसके अंदर भगवत सत्ता काम करती है, भगवान का रूप होता है और भगवत तत्व छिपा होता है। इसलिए जे नर गुरु को मानुष मानते ते नर कहिए अंध, और जाए परे भवकूप में पड़ेंगे जम के फंद। गुरु में हरि का रूप देखना चाहिए। तुलसीदास को गुरु नर के रूप में बैठे हुए हैं लेकिन उसमें हरि का रूप दिखाई देता है, भगवान का रूप दिखाई देता है। और उनके गुरु भी बहुत महान है। गुरु भी इतना महान हो कि अपने शिष्य को बार बार समझाने में भी थके ना, और शिष्य इतना महान होना चाहिए कि बार बार समझाने में भी उबे ना, बार बार समझे फिर भी श्रद्धा से सुने, आस्था से सुने, प्रेम से सुने। लेकिन ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए गुरु और शिष्य दोनों को महान बनना पड़ता है। गुरु शिष्य दोनों को बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है। इसलिए याद रखना, शिष्य बनना भी कोई साधारण चीज नहीं है, और गुरु बनना तो बहुत बड़ी बात है। और जब हर व्यक्ति गुरु बनना चाहता है ना, बहुत खतरे हो जाते हैं। गुरु का मतलब है कि दुनिया की किसी राह पर जिसका मन कभी फिसले ना, वह गुरु है। गुरु साधारण तत्व नहीं है। किसी की रूप सौंदर्य में, किसी की रुपये में कहीं उसके अंदर वासना पैदा ना हो, और कभी भी उसके मन में कहीं भी मोह न पैदा हो, लोभ न पैदा हो,
और कितना लोग उसका पूजा सम्मान आरती करें पर कभी अभिमान का जन्म ना हो, वह व्यक्ति गुरु तत्व को प्राप्त होता है। अमानित्वम आदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्यम आचार्योपासनम स्थैर्यम शौचम आत्म विनिग्रह, ऐसा गुरु होता है जिसको सब लोग सम्मान दें फिर भी अपने को बड़ा ना माने, वो गुरु होता है। जो कितना ही लोग उसको बड़ा मान ले फिर भी छोटों का जो आदर कर दे, छोटों का भी ख्याल रखे, वो गुरु होता है। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है बड़ा होना। गुरु शब्द का मतलब है गुरु यानी वजन होना, भारी होना। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है अंधेरे को मिटाकर प्रकाश दे देना। गुका रश्च अंधकार रस्त रुका रस्त निरोध करत अंधकार विनश्यत्वात् गुरु रित्ते विधीयते। तदपि कहे ओ गुरु बारहि बारा समोझे परी कछु मति अनुसारा। ध्यान देना। तदपि कहे ओ गुरु बारहि बारा समोझे परी कछु मति अनुसारा। बार बार वही समझाता है जो तुमसे बहुत प्रेम रखता है और तुमको वही डांटता है जो तुमको अपने से भी ज्यादा मानता है, और तुम्हारा ध्यान वही रखता है तुम कहाँ हो क्या कर रहे हो जो तुमको अपना मान लेता है। इसलिए याद रखना, यदि ऐसा कोई तुम्हारे साथ में कर रहा है तो उसको तुम धन्यवाद देना, उससे वाद विवाद मत करना, और वो अपने आशीर्वाद को तुम पर बरसा रहा है। कभी समझाने के तरीके से आशीर्वाद दे रहा है, कभी डांटने के तरीके से तुमको आशीर्वाद दे रहा है, कभी तुमसे पूछता है तुम इस समय कहाँ थे, तुम्हारे टाइम का हिसाब किताब ले रहा है, इतने बजे से इतने बजे तुम कहाँ रहे, तो उस तरीके से अपना अनुशासन करके तुम पर आशीर्वाद बरसा रहा है। आशीर्वाद विभिन्न तरीकों से बरसाया जाता है, लेकिन जिनके ऊपर आशीर्वाद बरसता है वह इन तरीकों को जरा समझें। कभी कभी आशीर्वाद आपको हाल चाल पूछ कर भी बरसाया जाता है, कुशल मंगल तो हो ना, ऐसे पूछ कर आशीर्वाद। कभी पूछा जाता है कब आ रहे हो, वो आशीर्वाद। और आशीर्वाद देने वालों को धन्यवाद देना चाहिए, और धन्यवाद देने वालों को हमेशा आशीर्वाद देना चाहिए। आशीर्वाद और धन्यवाद की परंपरा हमारे भारत देश में प्राचीन परंपरा है। शिक्षक और प्रधानाचार्य छात्र छात्राओं को आशीर्वाद दें कि तुम मुझसे भी योग्य बनो, और शिक्षक शिक्षिकाओं को छात्र छात्रा हमेशा धन्यवाद दें कि आपकी कृपा से हम इतना योग्य बन गए। किसी की कृपा तो मानो सही, माता पिता की भी कृपा होती है, कभी कभी किसी पड़ोसी की भी कृपा हो जाती है, और किसी की कृपा से ही हमें कुछ यहां संसार में मिलता है। जिन जिन लोगों ने पाठ के समागम में अपना तन मन धन से सहयोग किया है उनकी कृपा रही है जो इतना बड़ा मंडप लगा है, जिन्होंने अपना धन दिया है उनकी कृपा रही इतना बड़ा माइक सेट लगा हुआ है, उनकी कृपा रही है जो इतना प्रचार प्रसार किया गया है, उनकी सबकी कृपा है जो मुझे बुला करके यहाँ सत्संग कराया गया है। तो जिनकी जिनकी कृपा है उनको सभी श्रोता धन्यवाद देंगे कि धन्य हो जो गुरुदेव को नेपाल तरफ से लाए। ये बहुत बड़ी कृपा है। तदपि कहे ओ गुरु बारहि बारा समोझि परी कछु मति अनुसारा। ना हरि भजसि
नया दत्त छूटी ना हरि भजसी नया दत्त छूटी। आत्मबोध नहीं है, आत्मा तत्व का महत्व मालूम नहीं है, इसलिए ना तो बिगुरचा माने उलझन टेंशन तनाव, तनाव भी दूर नहीं हो रहा है, ना तो आदतें छूट रही हैं और ना तो भ्रम टूट रहा है। ये भ्रम, ये टेंशन और ये आदतें मनुष्य को दुख देती है। इन श्रोताओं को भी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है और यहाँ के कार्यकर्ताओं